सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। आत्मसंतुष्टि ही जीवन की सच्ची समृद्धि है, इसे पाने का प्रयास हमें करना चाहिए। हम जो भी हैं वो हमारे कर्मों का फल है। जब कोई दोष छुपाया जाता है तो वह बड़ा हो जाता है और स्वीकार करे तो वह गायब हो जाता है। आत्मविश्वास से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। खुद पर विश्वास हमें सफलता की ओर ले जाता है। आज का पंचांग 9 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि दोपहर 12:14 तक रहेगी। इसके उपरांत सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मूल नामक नक्षत्र सुबह 5:15 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्वाषाढ़ा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:14 से 1:41 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा धनु राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कन्या राशि पर रहेंगे। आप सभी को नवरात्रि के 7वें दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। दुर्गा पूजन सरस्वती आवाहन के आपको शुभकामनाएं। आप सभी पर माता कालरात्रि की कृपा बनी रहे। कन्या राशि 9 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार, आप अभी व्यक्तिगत नाकामयाबी का सामना कर रहे हैं। यह धन या परिवार से संबंधित हो सकती है। चुप रहकर सहन न करें, परिवार और रिश्तेदारों से मिलें। अतीत में से किसी से मुलाकात हो सकती है। समर्थन के साथ आप इन मुश्किल छड़ों का सामना करके सफल होंगे। आप घरेलू चिंताओं और काम के बीच में संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका आत्मविश्वास आपको विजेता के रूप में सामने ला सकता है। आपकी शक्ति रोजाना के काम नहीं बल्कि आपका परिवार है। खुश रहें क्योंकि क्रोध आपके पिछले दिनों के कामों को बिगाड़ सकता है। उपवास का नहीं बुरे विचारों का भी करें। आज आप काल्पनिक से मूड में हैं। अलग अलग भूमिकाएं निभाने और कल्पनाओं में आपको बहुत मजा आता है। आप अपने लिए हर कहीं रोमांस ढूंढ लेते हैं। आपके सपनों की एक दुनिया है जिसे आपको सच करने का मौका मिल सकता है। आप आज अपनी भावनाओं के वश में होकर संबंधों या करियर में कुछ असंभव सा हासिल करना चाहेंगे। हालांकि बड़े फैसले लेने के लिए यह समय ठीक नहीं है। आज के दिन तालमेल बनाकर चलने के लिए रहेगा। आपको अपनी खर्चों को लेकर थोड़ा सोच समझकर चलना होगा। आपको कुछ विशेष व्यक्तियों से मिलने का मौका मिलेगा। परिवार के सदस्यों के साथ आप कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। आपको यदि कोई बेवजह की टेंशन परेशान कर रही थी तो उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। माता पिता से आप कुछ पारिवारिक कामों को लेकर बातचीत कर सकते हैं। आज सितारे बताते हैं कि आपको आज भाग्य का पूरा पूरा सहयोग मिल रहा है। ग्रहों के शुभ स्थिति की वजह से आप आज जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। कारोबार में लाभ मिलने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। सोशल पक्ष से भी आज आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा का मार्ग प्रशस्त होगा। जीवन साथी की सेहत को लेकर आपको आज चिंता परेशानी होने की भी आशंका है। लव लाइफ में प्रेमी के साथ आपका तालमेल आज बना रहेगा। आज कोई अवसर मिलने वाला है जिसके लिए आप काफी समय से प्रयास कर रहे थे। आप अपनी प्रबल इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास के सहारे कई महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम देने में समर्थ रहेंगे। धर्म कर्म के कामों में भी रुचि बनी रहेगी। अधिक सोच विचार न करते हुए समय पर निर्णय लें। जो बातें वर्तमान स्थिति में आपको सही लगती है उनका चुनाव करके अपना काम करें। अनेक कामों में भावनात्मक रूप से अटके रहने से महत्वपूर्ण अवसर खो सकते हैं। प्रयास करने के बाद भी अपेक्षा के अनुसार काम पूरा करना ठीक रहेगा। रिलेशनशिप सुधारने के लिए पार्टनर के प्रियजनों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अपचय ठीक करने की कोशिश करें। डॉक्टर से सलाह जरूर लें। संतान से सहयोग प्राप्त होगा। आय बेहतर रहेगी। नई जगहों पर जाने का मौका मिलेगा। आपका पराक्रम श्रेष्ठ रहेगा। पुराने मित्रों से मुलाकात होगी। नए वाहन की प्राप्ति होगी। दोपहर में विवाद और भय होगा। खर्च भी अधिक होगा। व्यापारियों का विवाद हो सकता है। शाम को नौकरी में प्रसन्नता का वातावरण भी रहेगा। प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री संबंधित मामलों में पेपर वगैरह अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लें। इस समय अनुभवी व्यक्तियों की सलाह को नजरअंदाज न करें। रुपए पैसे के मामले में सभी निर्णय स्वयं ही लें।
दूसरों पर निर्भर रहना उचित नहीं है। बात करते हैं लव लाइफ की। परिवारजनों के बीच आपसी तालमेल में कुछ दिक्कतें रहेगी। समय अनुसार अपने व्यवहार में भी बदलाव लाना जरूरी है। एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। आज आप प्रेम के मूड में हैं और यौन सुख के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। ऐसे में अपने साथी को पहले पैम्पर करना ना भूलें। शॉपिंग या पसंदीदा फिल्म देखकर माहौल को हल्का करें। परिवार और आधिकारिक मामलों में सही संतुलन बनाए रखें। अगर आपका रिश्ता नया है तो यह जान लें कि आपकी जिंदगी को एक नया मोड़ मिलने वाला है। अपने साथी के लिए आपको कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने साथी को मदहोश करने के लिए आपकी एक नज़र ही काफ़ी है। इस समय आपको अपने संबंध में एक कदम पीछे हटकर अपने साथी की बड़ी तस्वीर को ध्यान में रखना चाहिए। आप पाएंगे कि आप एक तरह की भूल भुलैया में फंसे हुए हैं और इसे आप यह तक भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आप वास्तव में अपने संबंध से क्या अपेक्षा रखते हैं। यह समय सारे अतिरिक्त कबाड़ को हटाकर अपने संबंध को स्पष्ट रूप से जांचने का है, ताकि आप सही फैसला ले सकें। बात करते हैं करियर की। दिन की शुरुआत में ही अपनी सभी कार्य खत्म करने की कोशिश करें। आपको दिन के उत्तरार्ध में काम करने का मौका नहीं मिलेगा। किसी भी क्रय या विक्रय में सावधानी बरतें, अन्यथा आप धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं। आपको अपनी लव लाइफ पर एक मजबूत नियंत्रण करना होगा, ताकि आप अपने खर्च को संतुलित कर पाएं। अचानक से धन प्राप्त हो सकता है। किसी खास की बीमारी या रहस्यपूर्ण स्थितियों को देखकर असहाय महसूस करेंगी। आज जो भी करें, सोच समझकर और पूरा दिल लगाकर करें। आपकी कड़ी मेहनत आज आपको अच्छे परिणाम देना शुरू करेगी। यह आपके कार्यस्थल पर आपकी शक्ति और प्रतिष्ठा को भी बढ़ाती है। अपने बिक्री और बाजार में अपना दायरा बढ़ाने के लिए नई रणनीतियों और सुविधाओं को लागू करने का प्रयास करें। याद रखें, अगर आप बढ़िया चीजें नहीं कर सकते, तो छोटे छोटे चीजों को महान तरीके से करें। व्यवसाय संबंधित नई योजनाओं को आकार देने का उत्तम समय है। इस समय रियल एस्टेट का व्यवसाय करने वाले लोग अच्छा मुनाफा कमाएंगे। उच्च अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध आपको कोई सरकारी टेंडर या बड़ा ऑर्डर भी दिलवा सकते हैं। सरकारी नौकरी में कोई विशेष अधिकार भी मिल सकता है। बात करते हैं सेहत की। मानसिक रूप से थकान और सुस्ती जैसी बातें हावी रहेगी। सकारात्मक बने रहने के लिए अध्यात्म तथा ध्यान का सहारा लें और शांतचित्त बने रहें। आज स्थिति आपके लिए कुछ मुश्किल हो सकती है। या तो आपको दवाइयों से रिएक्शन हो सकता है, या स्वास्थ्य संबंधित एक से अधिक तकलीफ हो सकती है, लेकिन यह सब जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। आपको बस किसी ऐसे विशेषज्ञ से सलाह लेनी है जो इस मामले में काफी कुशल हो। सेहत का ख्याल रखें। आज का उपाय। आज आप कुमारी कन्याओं को दान दक्षिणा दें। शुभ रहेगा बहुत। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।